सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो दोस्तों, आप सभी देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है क्रूडल एनालिसिस की वीडियो। यदि आपने वो नहीं देखी तो उसको भी देखिएगा। एंड ये आपके लिए नेचुरल गैस का एनालिसिस होने वाला है। इसके अंदर अपन बेसिक टू एडवांस यानी छोटी टाइम फ्रेम से लेकर बड़ी टाइम फ्रेम तक पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और बढ़िया से बढ़िया लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। पूरा पूरा कंटेंट आपके लिए एजुकेशनल पर्पस रहेगा, सीखने के लिए आप इसका यूज़ करिएगा, इसके ऊपर कोई ट्रेड वगैरह मत करिएगा। सो फ्रेंड्स, आइएगा देखते हैं किस तरह से अपन अपना व्यू बना सकते हैं, वीक के अंदर क्या सीन हो सकता है, स्पेशली मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने यदि क्रूडल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना, कल ही अपलोड करी है मैंने, उसको अभी पूरा डिटेल में एनालिसिस डाला है। एंड अभी तक आपने कोई डीमेट वगैरह ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हो, वहाँ से आप डीमेट भी ओपन कर सकते हो। सो दोस्तों, ये नेचुरल गैस का वीकली चार्ट लगा हुआ है। आप यहाँ देखिएगा, नेचुरल गैस काफ़ी शानदार तरीके से ऊपर गया था। ये वीकली चार्ट है और 800 के ऊपर, 800 के ऊपर लगभग कुछ हाई मारा था इसने, 812 के अराउंड एग्जैक्टली, तो 801 के अराउंड वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और वन साइडेड गिर के नीचे आ गया था। उसके बाद हुआ क्या कि कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ, इस पैरेलल चैनल के, किसके, इस पैरेलल चैनल के कंसोलिडेशन जोन में फंस गया है। आपको जो मैं यहाँ लगा रखा है ना, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसी रेंज को फॉलो कर रहा है काफ़ी समय से और इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या इससे बाहर निकलने का इसका मूड है या नहीं, या इसी के अंदर घूमेगा, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जस्ट वन मिनट। तो देखिएगा, अभी कहाँ खड़ा है वो, इस जोन के बॉटम पर खड़ा है। इस जोन के कहाँ खड़ा है, बॉटम पर खड़ा है। और बॉटम ने क्या बना रखा है, देखो, एक तो होता है कि अपन यहाँ से देखें कि एक स्लो, यहाँ से बाइंग चालू, यहाँ के वापस से सेलिंग है, फिर नीचे बॉटम बना, यहाँ से बाइंग चालू हुई, यहाँ टॉप पर फिर सेलिंग चालू हुई, फिर बाइंग चालू हुई, फिर सेलिंग चालू हुई, फिर यहाँ से बाइंग चालू होनी थी और यहाँ तक जाना था मार्केट, बट गया नहीं है। यहाँ से बाइंग चालू होकर मार्केट को यहाँ टच करना था क्योंकि एक नया हाई बनाना था इस स्विंग से, जो ये बॉटम था ना, इस बॉटम से मार्केट को एक नया हाई बनाना था यहाँ कहीं का। बट उससे पहले उसने क्या किया, जो प्राय लो है अपना, जो प्रीवियस लो है, उसको ब्रेक कर दिया। देखो, ये प्रीवियस लो था, ये वाला ये लो था अपना, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यानी कि मार्केट में यदि इसके नीचे, इस जोन के नीचे कैंडल जो सस्टेन हो जाती है, तो ये क्या होगा कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, कंफर्मेशन अपने को मिलती हुई यहाँ से दिखेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात छुपी हुई है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो अपन इसको अब इसको छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे, अब क्या व्यू हो सकता है, क्या व्यू अपने को यहाँ से प्लान करना है। तो एग्जैक्टली जो ये रेंज आ रही है 204 की, मान लीजिएगा 204 के नीचे यदि एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह से कैंडल क्लोज हो गई, तो ये नीचे के लेवल आपके लिए तैयार है। वापस से ये जो इसने स्विंग लो बनाया है ना, ये लेवल तैयार हो रही है। कौन से, इनों के ऊपर भी अपन चर्चा करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो देखिएगा, ये वाला एक तो ये यहाँ का टारगेट दिखाई थी, वहाँ से निकलता था 181 का, 181 निकलता है तो डायरेक्ट आपके लिए एक और टारगेट तैयार हो रहा है, ये वाला 168 वाला। और 168 के नीचे तो फिर टारगेट खुले पड़े हैं, अपनी जहाँ तक जाने की इसकी इच्छा है वहाँ तक आपको ट्रेड करता दिखेगा। बट ये जो लो है ना 161 वाला या 160, यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डाउनफॉल होता है यदि इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है। बट देखो, एक सीन क्या हो सकता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती और यहीं कहीं ये यहाँ से बाइंग जो चालू कर दी इसने, तो ये समझो कि यहाँ से एक लंबी बाइंग भी तैयार हो सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि इस जोन के नीचे ये जो स्विंग थे ना पहले, इसके नीचे यदि कैंडल क्लोज होती है यहाँ कहीं, तो अपन मानेंगे कि चलो यार सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। बट यदि यहाँ से बायर्स हावी होते हैं मार्केट के अंदर और बाइंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हैमर तो बना पड़ा है, लगभग हैमर ही मान लो या डोजी के फॉर्मेशन मान लो आप, तो यहाँ से फॉर्मेशन दोनों साइड का हो रहा है, बायर्स भी बराबर है और सेलर्स भी यहाँ पर बराबर है। देखो, कैंडल का जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो फॉर्मेशन हुआ है, बराबर बैठे हुए हैं बायर्स और सेलर्स। अब डिसीजन यहाँ पर किस तरह का होता है वो देखना होगा, क्या इसके नीचे सेकंड कैंडल यहाँ नीचे क्लोज होती है या फिर ग्रीन बन के यहाँ कहीं क्लोज होती है। ग्रीन क्लोज हो गई, इसके ऊपर इस स्विंग को तोड़ दिया, जो ये स्विंग है इस कैंडल का, जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्विंग आ रहा है, बता देता हूँ कौन सा आ रहा है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम से क्या व्यू क्लियर हो जाते हैं, जो स्विंग आ रहा है ना वो आ रहा है 221 यानी 222 के ऊपर। यदि मार्केट इस वीक के अंदर सस्टेन कर जाता है तो ये समझ लो कि बाइंग चालू हो गई और अब मार्केट में बाइंग आने वाली नेचुरल गैस के अंदर। और एग्जैक्टली यदि 200 के नीचे मार्केट आ गया, 199 के नीचे, 197 के नीचे कैंडल क्लोज मिल गई वीकली बेसिस पर, तो समझ लो कि
डाउन साइड के लेवल अपने लिए खुल गए 181 168। तो ये तो हो गया आपका वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। आइए इसको डे टाइम फ्रेम के ऊपर और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सीन बन रहा है, क्या सिनेरियो है। यह डे टाइम फ्रेम हो गया, ये डे टाइम फ्रेम, ये सारी कैंडल जो है ना, एक एक कैंडल ये डे एक दिन की कैंडल है। कितने दिन की है? जितने भी कैंडल यहाँ लगे हुए ये सारा वन डे की कैंडल है। यहाँ पर जो अपने जो एक कैंडल है ना ये रिप्रेजेंट कर रही है वन डे को। तो यहाँ देखो इस तरह से इस बॉटम से, ये बॉटम था, यहाँ से बाइंग क्रिएट हुई, मार्केट ऊपर आया, फिर वापस से टॉप, ये टॉप बनाया उसने, टॉप से फिर सेलिंग आई, फिर नीचे आया, फिर टॉप पर आया, फिर बॉटम पर आया, फिर टॉप पर आया, फिर बॉटम पर आया, फिर टॉप पर। बट ये क्या हुआ, एक नया ज़्यादा लंबा टॉप नहीं बन पाया। उससे पहले इसने क्या किया, लगभग एम का फॉर्मेशन करा यहाँ पर, मतलब डबल टॉप का फॉर्मेशन करा और मार्केट में एक सेलिंग जैसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। तो अपन यहाँ एक बात रख सकते हैं कि यहाँ पर एक चैनल बन गया, एक बॉक्स पैटर्न बन गया है। उस बॉक्स पैटर्न को अब मार्केट जब भी ब्रेक करेगा बड़ा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। कौन सा बॉक्स पैटर्न? ये वाला। इस बॉक्स के बाहर जिस भी साइड निकले, देखो मुझे तो क्या लगता है एग्जैक्टली मेरा व्यू आपको बता देता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो मेरा व्यू क्रिएट हो रहा है एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट इस ट्रेन लाइन को सपोर्ट तो दे रहा है, ऊपर भी ट्रेन लाइन के पास चल रहा है, बट क्या हुआ अभी एक नया हाई बना नहीं पाया है। तो जो अभी जहाँ जिस बॉटम पर खड़ा है, ये एक बॉटम है इसका, देखो इस ट्रेन लाइन को तोड़ा, बट तोड़ने के बाद इसने फटाफट यहाँ पर एक कैंडल बनाई जिसका नाम है हेमर, आप सभी जानते हो, और उसके बाद एक और हेमर लगातार दो हेमर बना लिए, बैक टू बैक दो हेमर बना लिए। अब जैसे यहाँ पर यदि बाइंग क्रिएट करना होगा तो आपको इस स्विंग के ऊपर निकलने का वेट करना होगा, यानी 221 के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग का आपको व्यू लेके चलना है कि 221 के ऊपर निकलेगी तो अच्छी खासी बाइंग सस्टेनेबल बाइंग रही, तो एक लंबी बाइंग आपको फिर से ऊपर वाले टारगेट देखने को मिल जाएंगे जो अभी दिखे थे 237 ये आपके लिए अपर साइड के टारगेट रहेंगे। यहाँ से 221 के ऊपर 221 के ऊपर यदि मार्केट क्लोज देता है, अच्छा सस्टेन देता है इस वीक के अंदर या जब भी देता है एक दो दिन के अंदर, तो आपके लिए यही टारगेट रहेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन टारगेट को आपको कंसीडर करना है। अभी पहले ऊपर आया था बट 251 से लगभग घूम गया था वापस से 251 से। तो मैंने आपको यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पर देखो जो इसको करना होता ना, जो बायर्स एक होता ना ट्रेप करना कि यहाँ पर ट्रेन लाइन टूट गई है, हम मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं, और जैसे ट्रेन लाइन टूटी लगभग यहाँ पर एक्टिव होते हैं डाउन साइड के लिए, और ये ट्रेप वाला ये चल गया ट्रेप। मार्केट देखो ट्रेन लाइन टूटी भी है, ट्रेन लाइन जिस कैंडल ने ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, इस कैंडल ने बहुत पावरफुल कैंडल, रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी, इसने कोई देखेगा जो नया नया है वो बोलेगा क्या बड़ी कैंडल बनी है, क्या पावरफुल कैंडल है, इतनी पावरफुल कैंडल से ब्रेक हो रहा है। देन उसके बाद उसका स्विंग लो भी टूटा, उसका स्विंग लो भी टूटा और मार्केट नीचे भी गया, बट एंड देन सस्टेन नहीं हुआ और वापस से ऊपर आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है 203 का, मान के चलो आप 203 के नीचे जब तक मार्केट नहीं क्लोज करता है आपको एक बेरिश व्यू नहीं लेना है। 203 के नीचे निकलेगा, 203 के बाद आपके लिए डाउन साइड के टारगेट बनेंगे 197 के बाद 187 के बाद 163, ये टारगेट बड़े टारगेट है। इसके बाद उससे पहले भी 187 से पहले आप देख सकते हो 173 और 177, ये टारगेट आप देख सकते हो, बट ये बड़ा टारगेट यहाँ तक का दिख रहा है डाउन साइड में, जो ये लेवल लगा हुआ ना ये वाला, ये लास्ट ये यहाँ तक का ये 163 का लगभग मान के चल लो, तो डाउन साइड ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे यदि इसके नीचे निकलता है मार्केट। अब और ऐसा नहीं होता और यहीं से बाइंग क्रिएट हो जाती है, तो वन साइडेड बाइंग है आपके लिए, जो मैंने लेवल्स भी आपको बता दिए। इंट्राडे वालों के लिए 227 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, 223 जैसे ब्रेक करता है, 223 जैसे ही ब्रेक करता है 227 के बाद 237, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये एक पैरेलल चैनल में चल रहा है मार्केट, अभी यहाँ पर आपको देखना है यहाँ से बाइंग होती है, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो आइए ये तो हो गया आपका वन डे के ऊपर, फोर आवर के ऊपर भी देख लेते हैं क्या सीन बनाया इसने। फोर आवर के ऊपर एक अच्छा सीन तो क्रिएट किया है, देखो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, एक सेकेंड भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसा लगना चाहिए कि मार्केट में सिर्फ अपन ही चमक रहे हैं। ओके देखिएगा अब क्या चल रहा है यहाँ पर, जो सीन चल रहा है अब फोर आवर की बात कर रहा हूँ, फोर आवर में क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल से मार्केट ने बाइंग दिए, मार्केट अभी भी इसी लेवल पर खड़ा है। आप सभी जानते हो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है यहाँ पर, मल्टीपल टाइम्स यहाँ देखो बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई,
यहां से बाइंग गई लगभग, ये लेवल अब कमजोर हो चुका है, आप सभी समझना ये लेवल कमजोर हो चुका है। तो यहां से ज्यादा चांस क्या दिख रहे हैं, अभी अभी के जो मल्टीपल टचेस हो चुके हैं डाउन साइड के लिए, तो अब ये लेवल फेल हो जाएगा और इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिखा के नीचे आ जाएगा और 177 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे डाउन साइड के लिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट लगने से क्या होता है, अपने को तो कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको लेवल दे दिए इधर एग्जैक्टली आपको नया बाइंग मतलब एक थोड़ा सा बाइंग करना है, 221 के ऊपर आपको अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा और इधर 203 के नीचे, ठीक है। तो आप ये लेवल मार्क कर लीजिएगा, 203 भी एक यहाँ पर ऐसा लेवल है कि जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, अपने को 200 के नीचे का वेट करना है क्योंकि 200 एक साइकोलॉजी लेवल नंबर भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो टूटा 200 तो मार्केट कहाँ जाएगा, 200 के नीचे आ जाएगा, एक जो एक साइकोलॉजी इफेक्ट डालता है कि 200 के नीचे मार्केट आ गया मतलब सेलिंग आएगी, ऐसा इफेक्ट डालता है, ये साइकोलॉजी लेवल है आप सभी जानते हो। तो यहाँ से फिर अपने को सेलिंग देखने की देखना है, मतलब 200 के नीचे 197 के नीचे अच्छी सेलिंग अपने को देखने को मिल जाएगी। तो लेवल यही आपके लिए मैं और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट जोन वगैरह जिस तरह से बनते हैं जो मैं आपको लाइव मार्केट में लगा के देता हूँ इस तरह से, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है 227 के लगभग का, ठीक है। इसके नीचे ऊपर मार्केट निकलता है तो 237 का टारगेट है, एंड जो नीचे का जो ये जोन है आप सभी जानते हो इस जोन का, ये कौन सा जोन है, वही है 203 वाला, 203 और आप तो 200 ही मान के चलो, कंसीडर 200 को ही करके चलो कि 200 टूटने का वेट करना, 200 टूटा 197 टूटा 193 के बाद 197, ठीक है। तो आपको ये लेके चलना है एग्जैक्टली, और सबसे ऊपर ये लेवल है आपके लिए 253 वाला या 247 वाला, इसको मान के चलो यदि 227 के ऊपर निकलता 237 और 237 के बाद 247 और 247 के बाद 253, ये लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक और जो पैटर्न अभी बनता हो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा 4 आवर के ऊपर, और मुझे तो दिख ही रहा है, आपको नहीं दिखे तो, ये इस तरह से कुछ फॉर्मेशन था, देखो एग्जैक्ट तो आप वैसे बनेंगे नहीं जैसे आप सोच के बैठे हो कि वैसा बने, तो थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 तो रहता ही, आप सभी जानते हो मार्केट है 19-20 बनता है मार्केट में, एग्जैक्टली पैटर्न जो नहीं बनता आपने जो किताबों में पढ़े हैं जो बुक्स के अंदर पढ़े वो नहीं बनेंगे यहाँ पर, तो एग्जैक्टली ऐसा बन रहा है। बट अपने को क्या करना है, अपने लेवल लगा लिए, अब उनके नीचे या ऊपर जिस साइड में जाएगा, क्योंकि रेंज में है मार्केट, पूरा एक रेंज में चल रहा था, खाली ऊपर गया नीचे आ गया, तो अपने को वेट करना है कि किस साइड के लेवल ब्रेक करता है। लेवल मैंने आपको दे दिए हैं, पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा एजुकेशनल पर्पज से, और आप सभी मार्क कर लीजिएगा और आप भी इसकी स्टडी कर लीजिएगा। ऊपर से एक ट्रेन लाइन भी आ रही है, इसको भी आप लगा सकते हो। आइए इसको थोड़ा सा 1 आवर के ऊपर लेके चलते हैं, 1 आवर के ऊपर कौन सी ट्रेन लाइन आ रही है, ये वाली, यहां पर मार्केट ने टच किया एक, उसके बाद यहां टच किया, उसके बाद यहां टच किया, और ये ट्रेन लाइन ब्रेक तो हुई है, एग्जैक्टली हो गई है भाई, हो गई है। अब क्या होगा, ये ट्रेन लाइन तो ब्रेक हो गई, अपने को यहां पर कुछ भी रिएक्शन नहीं करना है, अपने को ये है कि प्रीवियस हाई, जो यहाँ का प्रीवियस हाई है लगभग 212 का, इसके ऊपर मार्केट निकलता है और बाइंग दिखती है तो ठीक है, करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेन लाइन आ रही है ये वाली, तो जो ये पहले ही सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये रजिस्टर का काम करेगी ट्रेन लाइन, तो यहाँ से रजिस्टर 212 ब्रेक होता है तो 216 के आसपास या 215 के आसपास ये ट्रेन लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, 215 के आसपास। तो यहाँ पर 212 के बाद 3 पॉइंट का एक मूवमेंट हो सकता है 215, बट उसके बाद यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है डाउन साइड के लिए, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सारे के सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या सीन है, क्या किस तरीके का मार्केट बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो आपको, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी सीखा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट आप इस वीडियो के अंदर करिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को मार्केट लाइव में 4:30 बजे या 4 बजे में आ जाऊँगा एग्जैक्टली टाइम पर, जुड़िएगा, वहाँ धमाल मचाएंगे, पैसा बनाएंगे और पैसे छापेंगे एकदम। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, सभी ध्यान रखिए अपना।